एंगल सेक्शन पे। अब जानेंगे हम एंगल सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो एंगल सेक्शन इज डिजाइनेटेड बाय लेग लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग्स। यानी कि जब आप एंगल सेक्शन को डिजाइन करेंगे तो आप किस चीज पे ध्यान देंगे? एक लेग लेंथ, यानी कि जो लेग्स है एंगल की उसकी लेंथ कितनी है, एंड थिकनेस ऑफ लेग और उस लेग की थिकनेस क्या है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये रहा आपका फिगर, ये आप ये जो देख रहे हैं ये लेग है, ये आप जो देख रहे हैं ये लेग है, ये पोर्शन जो मैंने हैच कर दिया ये लेग है, ठीक है। तो इसमें हमें लेंथ देखनी है लेग की और थिकनेस देखनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 60-68 mm। तो अब हम समझते हैं जब हमें इंजीनियरिंग लैंग्वेज में 16:16:8 दे रखा हो ISA, तो इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले मैं इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारे एंगल्स होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है इक्वल एंगल, एक होता है अनइक्वल एंगल। इक्वल एंगल क्या होता है? इक्वल एंगल वो एंगल होता है जिसकी बोथ ऑफ लेग्स, यानी कि दोनों लेग्स जो है वो बराबर हो, इक्वल हो। और अनइक्वल एंगल क्या होता है? जिसमें कि एक लेंथ बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी, वो होता है अनइक्वल एंगल। ओके, अब बात करते हैं हम ISA। हमें ये नहीं पता ये इक्वल एंगल है या अनइक्वल एंगल है, बट हमें ये पता है ISA का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये इक्वल एंगल है या अनइक्वल। तो 16:16 यानी कि फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग दोनों बराबर है, तो क्या होगा? ये इक्वल एंगल होगा, तो ये होगा इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, ठीक है। तो मींस इक्वल एंगल, ये देखिए यहाँ पे कहा इक्वल एंगल, कैसे पहचाना? क्योंकि 60 फर्स्ट लेग सेकंड लेग दोनों लेग क्या है, बराबर आ रही है, तो इसका अर्थ हुआ इक्वल एंगल है। सेक्शन वेट लेग 60 mm एंड थिकनेस ऑफ लेग 8 mm, और जो लेग है हमारी उसकी लेंथ कितनी है 60 mm एंड जो थिकनेस कितनी है वो 8 mm है। जैसे मान लीजिए ये लेग है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है वो 60 है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी लेंथ कितनी 60 है, यानी कि इक्वल एंगल है। और थिकनेस की बात करें, ये थिकनेस और ये थिकनेस कितनी है 8 mm, ये थिकनेस कितनी है 8 mm। ओके, समझ गए। नेक्स्ट ISA 90:16:6, ये क्या दर्शाता है? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, बट ये इक्वल है अनइक्वल है? फर्स्ट लेग 90 की है और सेकंड 60 की है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो सिंपल अनइक्वल है, अनइक्वल एंगल। और 6 क्या है? थिकनेस ऑफ लेग्स, mm मींस लेंथ ऑफ वन लेग, यानी कि लेंथ हुई वन लेग की कितनी 90 mm, लेंथ ऑफ सेकंड लेग कितनी हुई 60 mm, और थिकनेस ऑफ बोथ ऑफ लेग्स, और दोनों जो लेग्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है 6 mm है। देखते हैं, ये देखिए आप एंगल, फर्स्ट 90 mm एंगल, सॉरी लेग्स फर्स्ट 90 mm, लेग सेकंड 60 mm, डिफरेंट है लेग्स हमारी, तो क्या होगा? अनइक्वल एंगल होगा। बट इसकी थिकनेस जो है फर्स्ट लेग की और सेकंड लेग की जो थिकनेस है वो कितनी होगी? सेम होगी, 6 mm, इसकी भी 6 mm। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे ये हमारा अनइक्वल एंगल है। आइए अब हम इसका देखते हैं कि यूज किस तरीके से हो सकता है। तो यूजेज ऑफ एंगल सेक्शन, तो रोल्ड एंगल सेक्शन आर यूज एज कंप्रेशन मेंबर, यानी कि जो हमारा रोल्ड एंगल सेक्शन है उसको हम कहां पे यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज करते हैं और टेंशन मेंबर के रूप में भी यूज करते हैं, एंड कंपोनेंट पार्ट ऑफ द बिल्ट अप मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट
दीज आर आल्सो यूज्ड एज डोर एंड विंडो फ्रेम। और हमारे जो डोर फ्रेम्स होते हैं और जो विंडो फ्रेम्स होते हैं उसमें भी हम एंगल्स को प्रोवाइड करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम टी सेक्शन पे। टी सेक्शन क्या है? टी सेक्शन आर डिजाइनेटेड बाय इट्स ओवरऑल डेप्थ एंड वेट। इसे डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑल ऑफ डेप्थ चाहिए, ओवरऑल डेप्थ एंड वेट चाहिए, ठीक है। इन दो बेस से हमारा जो टी सेक्शन तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टी सेक्शन है, ऊपर ये फ्लैंज है, ये वेव है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फ्लैंज, ये वेव, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाइट है, यानी डेप्थ ऑफ टी सेक्शन, ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ओके, नेक्स्ट चलते एग्जांपल की वजह से चल समझते हैं। ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन 50 एट द रेट 39.2 न्यूटन पर मीटर मींस एज लाइट वेट। ओके, तो हमारा ये जो है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। टी सेक्शन हैविंग ओवरऑल डेप्थ 50 mm, जो हमारा टी सेक्शन है उसके पास ओवरऑल डेप्थ कितनी है? 50 mm है, एंड जो वेट है वो 39.2 मीटर पर इन लेंथ है। ओके गुड, अब हम समझते हैं यूज क्या है टी सेक्शन का। जो यूज है टी सेक्शन का वो है रोल टी सेक्शन आर यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर, यानी कि जो हमारा टी सेक्शन है हम उसका प्रयोग करते हैं किसमें? कंप्रेशन मेंबर में और टेंशन मेंबर में एंड फ्रेम्स ऑफ डोर्स एंड विंडो, और जो विंडो और डोर है उनकी फ्रेम्स में यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं डिनोट कर रखा है V इज इक्वल टू क्या है? विड्थ ऑफ फ्लैंज एंड N H इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, वो है हमारा रोल्ड स्टील बार। तो रोल्ड स्टील बार क्या है? अ राउंड बार इज डिजाइनेटेड बाय इट्स डायमीटर, यानी कि जो हमारा राउंड स्टील बार है वो दिखने में कैसा है? राउंड बार की तरह, यानी कि वो राउंड बार ही है। और उसको हम जब डिजाइन करते हैं तो किस आधार पे करेंगे? डायमीटर के आधार पे, कि उसका डायमीटर कितना रखना है। वेयर एज स्क्वायर बार, और जब हम बात करें स्क्वायर बार की तो उसको डिजाइन कैसे करेंगे? साइड के अनुसार, ठीक है। ये हमारा रहा क्या? राउंड बार, और ये रहा हमारा क्या? स्क्वायर बार, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड 12 mm मींस अ राउंड बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर, यानी कि ISRO का मींस हो गया इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार 12 mm, 12 इसके साथ है 12, तो इसका अर्थ क्या होगा? आपको दिया जाएगा ISRO 12, तो आपको इसका अर्थ बताना है कि ISRO का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार एंड 12 क्या है? डायमीटर है, ठीक है। तो इसलिए ISRO 12 मींस हो गया स्क्वायर बार के अंदर क्या? 12 mm साइड। ओके, नेक्स्ट रोल्ड स्टील टेबुलर सेक्शन। अगर हम बात करें टेबुलर सेक्शन की तो अ रोल्ड स्टील ट्यूब इज डिजाइनेटेड बाय आउटसाइड डायमीटर एंड सेल्फ वेट, यानी कि जब हमें रोल्ड स्टील टेबुलर सेक्शन बनाना हो तो हम क्या करेंगे? जो हमारा आउटसाइड डायमीटर है इस तरीके से, आउटसाइड दोनों में टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो जब हमें रोल स्टील टेबुलर सेक्शन लेना हो तो टेबुलर फॉर्म लेंगे हम, और इसमें क्या मेंशन करेंगे? आउटसाइड डायमीटर, यानी कि जो आउटसाइड डायमीटर है वो क्या है, और साथ में उसका सेल्फ वेट, ठीक है। नेक्स्ट रोल्ड स्टील प्लेट्स।
रोल्ड स्टील प्लेट्स आर डिजाइनेटेड बाय लेंथ वेट एंड थिकनेस। यानी कि जो हमारा रोल्ड स्टील प्लेट्स है वो डिजाइन होता है किसके आधार पे, लेंथ के आधार पे, विड्थ के आधार पे और थिकनेस के आधार पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ISPL इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट 3910 mm। तो इसका अर्थ हुआ मींस स्टील प्लेट जो है उसकी लेंथ कितनी है 3000 mm, उसकी विड्थ कितनी है 900 mm एंड थिकनेस कितनी है 10 mm। तो ये हमारा क्या हुआ, रोल स्टील प्लेट्स हुआ। रोल स्टील प्लेट्स के बाद हम बात करते हैं रोल स्टील प्लेट्स की। ठीक है, फ्लैट्स, तो दीज आर डिजाइनेटेड बाय इट्स विड्थ, विड्थ के द्वारा डिजाइन होगी और थिकनेस के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे, रोल स्टील प्लेट्स। फॉर एग्जाम्पल ISFL इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट्स 100 है, 20 mm है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये 100 है ये क्या है, ये विड्थ है हमारी फ्लैट की 100 mm एंड थिकनेस कितनी है हमारी 20 mm। तो इस तरीके से हमने जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन थे वो पढ़े और हमें समझ में आ गया कि ये सेक्शन किस प्रकार दिखाई देते हैं, इनके अंदर है क्या। ठीक है, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।